हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के एमसीक्यूज की। तो दोस्तों, इसका पहला पार्ट हम आपके लिए लेके आ गए हैं, तो बिना देरी के जल्दी से इस वीडियो को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू ब्लैंक दिया गया है, लॉ इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट द स्टेट रिकॉग्नाइजेज एंड अप्लाइज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये किसका कहना है, ये कहना है सालमन का, यानी कि सालमन के अनुसार लॉ एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट द स्टेट गवर्न रिकॉग्नाइज एंड अप्लाइज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, द एपिडेमिक डिजीज, जो एपिडेमिक डिजीज है, महामारी होती है, वो एक्ट कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, यानी कि कब वो इस्टेब्लिश्ड किया गया था, एपिडेमिक डिजीज का एक्ट कब इस्टेब्लिश्ड किया गया था, 1898, 1899, 1897 या 1895। तो दोस्तों, आपको हम बता दें 1897 में एपिडेमिक डिजीज एक्ट को स्थापित किया गया था, यानी कि 1897, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री, द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपेरेशन एक्ट, यानी कि एक्साइज ड्यूटीज एक्ट वॉज पास्ड बाई द पार्लियामेंट इन, पार्लियामेंट के द्वारा कब ये पास किया गया था, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपेरेशन एक्ट, तो ये पास किया गया था 1955, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। 1955 में पार्लियामेंट के द्वारा इस मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपेरेशन एक्ट को पास किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिम के आधार पर, ओडी अल्ट्रम पार्टम, नो मैन शैल बी जज्ड विदाउट हियरिंग, यानी बिना सुने किसी भी व्यक्ति को जज नहीं किया जाएगा, दिस इज द, यह है, यह क्या है, रूल ऑफ फेयर हियरिंग। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रूल ऑफ फेयर हियरिंग, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, रूल ऑफ फेयर हियरिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव, इन 1948 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट डॉक्टर बीएन घोष, ब्लैंक वॉज इस्टेब्लिश्ड, तो क्या इस्टेब्लिश्ड किया गया था, वो इस्टेब्लिश्ड किया गया था कमिटी ऑन द एथिक्स, हाथी कमिटी, मुडलियर कमिटी, इंडियन फार्माकोपियल कमिटी। तो दोस्तों, यही हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इंडियन फार्माकोपियल कमिटी को इस्टेब्लिश्ड किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, द ड्रग इंक्वायरी कमिटी इज आल्सो नोन एज, जो ड्रग इंक्वायरी कमिटी है और उसे किस नाम से जाना जाता है, इज आल्सो नोन एज, तो उसे चोपड़ा समिति के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, चोपड़ा समिति के नाम से ड्रग इंक्वायरी कमिटी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवन, ड्रग्स इंक्वायरी कमिटी, जो ड्रग्स इंक्वायरी कमिटी है, वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, तो ये किसकी अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी ड्रग्स इंक्वायरी कमिटी, तो कर्नल आर एन चोपड़ा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, कर्नल आर एन चोपड़ा की अध्यक्षता में इस ड्रग इंक्वायरी कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एट, इन 1932 में ब्लैंक दिया गया है, इनिशिएटेड द फर्स्ट फार्मेसी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स एट बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फार्मास्यूटिक्स के, जो फार्मास्यूटिक्स है उसमें जो फर्स्ट फार्मेसी डिपार्टमेंट है उसे शुरू किसने किया था, यानी 1932 में, तो उसे किया था प्रोफेसर एम एल श्रॉफ ने। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोफेसर एम एल श्रॉफ, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नाइन, इन 1941 यानी 1941 में द फर्स्ट सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी वॉज फाउंडेड इन, जो द फर्स्ट सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है उसे कब फाउंड किया गया था, 1941 में कहाँ फाउंड किया गया था, तो उसे कलकत्ता में फाउंड किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, कलकत्ता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टेन क्या पूछ रहा है, द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट एंड रूल्स वॉज पास्ड विद द रिमूवल ऑफ द, जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस
जो है इनका एक्ट कब आया था, इनका एक्ट तब आया था जब किसी को रिमूव किया गया था। तो रिमूव किसे किया गया था वो इसमें पूछा गया है। तो डेंजर एक्साइज ड्यूटीज एक्ट 1955, डेंजरस एक्ट 1930, ओपियम एक्ट 1878 या बोथ बी एंड सी। तो दोस्तों यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी, यानी कि डेंजरस ड्रग्स एक्ट और ओपियम एक्ट को, इन दोनों को हटा के तब इसे लाया गया था, नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वॉज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट इन। तो दोस्तों ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है वो पार्लियामेंट ने कब अप्रूव्ड किया था, फॉर द रेगुलेशन ऑफ दीज ऑफेंसिव ट्रेंड्स 1955, 1948, 1940, 1994। तो दोस्तों आपको हम बता दें इसका सही आंसर होगा 1994। तो ये कब पारित किया गया था, तो 1994 में इसे अप्रूव किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट को 1994। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट ड्रग्स टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। जो द फर्स्ट ड्रग्स टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1941, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर 1941। द फर्स्ट ड्रग्स टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड इस्टेब्लिश्ड इन 1941, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है, लॉ इज अ सोशल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो लॉ क्या है, एक सोशल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट है, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू रोस्को पाउंड, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, रोस्को पाउंड के अनुसार एक जो लॉ है वो एक सोशल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पहला है, क्योंकि पहला चैप्टर फिनिश हो गया है, सेकेंड चैप्टर का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो पहला है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन फोर इन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1956, यानी कि 1956 में सेक्शन फोर, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस्टेब्लिश्ड, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इस्टेब्लिश्ड किया था 1956 में, जो सेक्शन फोर के तहत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द एजुकेशन स्टैंडर्ड्स फ्रेम्ड फॉर द फार्मासिस्ट बाय द काउंसिल आर नोन एज द एजुकेशन रेगुलेशंस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन रेगुलेशंस, यही इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मेसी एजुकेशन टू ऑब्टेन अ डिग्री बिगेन विद ए 3-year कोर्स ऑफ बैचलर ऑफ फार्मेसी, यानी कि बी फार्म एट बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। तो कब से ये शुरू किया गया था, ये किया गया था 1937 से, यानी कि 1937, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर 1937। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड द फर्स्ट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट बाई, जो द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया गया था फर्स्ट रजिस्टर्ड ऑफ फार्मासिस्ट, किसके द्वारा, ट्रिब्यूनल, PCI, AICTE, MCI। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रिब्यूनल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, किसके द्वारा, ट्रिब्यूनल के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, अमंग द फॉलोइंग पेनल्टीज व्हिच वन इज चार्ज्ड व्हेन डिस्पेंसिंग इज डन बाय अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अगर कोई अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ये कह रहा है अमंग द फॉलोइंग पेनल्टीज व्हिच वन इज चार्ज्ड व्हेन डिस्पेंसिंग इज डन बाय अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर कोई पर्सन है जो रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो डिस्पेंस करता है कुछ भी, तो उसे 6 महीने की जेल होती है, क्या होती है, 6 महीने की कैद होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि 6 month इम्प्रिजनमेंट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल शुड हैव द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है उसमें कम से कम कितने फार्मासिस्ट होने चाहिए, 4, यानी 4, 7, 6, 8। तो दोस्तों आपको हम बता दें ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर, कम से कम 6 फार्मासिस्ट उसमें होने चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मेसी एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। जो फार्मेसी एक्ट है वो कब पास हुआ था, किस साल पास हुआ था, 1950, 1948, 1955, 1947। तो
तो आपको हम बता दें इसका सही आंसर होगा 1948 यानी कि ऑप्शन बी 1948 में ये फार्मेसी एक्ट पास्ड हुआ था यानी पास हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 ब्लैंक इज ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन है ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के द्वारा ये जानकारी दी जाती है कि पेशेंट के लिए एक केयर गिवर टू इंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ ड्रग्स एंड डिवाइसेज। ठीक है दोस्तों आप समझ चुके हैं। तो ये होती है पेशेंट काउंसलिंग यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। पेशेंट काउंसलिंग आ जाएगा इस ब्लैंक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन एविडेंस एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। तो इंडियन एविडेंस एक्ट ही वो कब पास किए गए थे यानी 2002 1972 या 1874 या 1872। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी 1872 सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वर्किंग इन वन फार्मेसी। कोई अगर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है अगर किसी फार्मेसी में काम कर रहा है किसी एक फार्मेसी में काम कर रहा है अगर उसे किसी दूसरी जगह यानी अनादर फार्मेसी में वर्किंग करते काम करते समय पकड़ा गया और या किसी कॉलेज में पकड़ा गया तो उसे मिसकंडक्ट कर दिया जाएगा यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसे मिसकंडक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 क्या है द पंजाब यूनिवर्सिटी स्टार्टेड अ फार्मेसी डिपार्टमेंट। जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसमें फार्मेसी डिपार्टमेंट कब आया था कब स्टार्ट हुआ था तो वो हो जाएगा 1944 यानी कि 1944 में पंजाब यूनिवर्सिटी में फार्मेसी डिपार्टमेंट की शुरुआत हो गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 है थर्ड चैप्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है तो व्हिच लाइसेंस इज इश्यू टू अ पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स ड्रग एट द प्रीमाइसेज ऑफ अनादर पर्सन। अगर कोई व्यक्ति है तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लोन लाइसेंस। कोई व्यक्ति है दूसरे की जगह मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है तो उसे कैसी लाइसेंस की ज़रूरत होती है वो होती है लोन लाइसेंस की। किसकी होती है लोन लाइसेंस यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोन लाइसेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल पी डील्स विद द जो शेड्यूल पी होता है उसके अंदर कैसी ड्रग्स आती हैं। तो शेड्यूल पी के अंदर क्या आता है शेड्यूल पी डील क्या करता है शेड्यूल पी डील करता है ड्रग्स का लाइफ पीरियड यानी कि लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एम ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 इज टू क्या होता है इसका मेन एम क्या है यानी कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का मेन एम क्या है एक मैन्युफैक्चरिंग करना एक डिस्ट्रीब्यूशन करना डिकम्पोज नहीं होता है ये गलत हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करना ये दोनों होते हैं इसकी मेन एम होती है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर बहुत बी एंड सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेड्यूल एच कंटेंस जो शेड्यूल एच कंटेंस यानी शेड्यूल एच है वो क्या रखता है अपने पास तो शेड्यूल एच रखता है प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स। तो शेड्यूल एच के अंदर प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स आती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच शेड्यूल डील्स विद द लिस्ट ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज। तो दोस्तों वो कौन सा शेड्यूल है जिसके अंदर नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक ड्रग्स सब्सटेंसेज आते हैं वो शेड्यूल है एक्स यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 ब्लैंक दिया गया है इज द प्रोसेस ऑफ पासेज ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स टू द कंज्यूमर्स। मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर्स तक ड्रग्स का पासेज करना वो होता है सेल यानी बिक्री करना ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेड्यूल P1 स्पेसिफाइज द तो पैक साइज ऑफ ड्रग्स हो जाएगा इसका जो ड्रग्स होता है उसकी पैकिंग का जो साइज होता है वो कितना होना चाहिए वो शेड्यूल P1 के अंतर्गत आता है शेड्यूल P1 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वालिफिकेशन ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर तो ड्रग इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए डिग्री इन फार्मेसी डिग्री इन मेडिसिन डिग्री इन साइंस बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डिग्री इन फार्मेसी डिग्री इन मेडिसिन ये दोनों आती हैं ऑप्शन डी में तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 तो पेनल्टीज ऑफ सेल स्टॉकिंग और ऑफर फॉर सेल ऑफ ड्रग विच मे कॉज सीरियस हर्ट एज पर सेक्शन 320 ऑफ IPC। तो दोस्तों ऐसी ड्रग्स को बेचना जिनसे लोगों को नुकसान पहुँचे उन्हें खतरा पहुँचे उनकी मृत्यु हो तो धारा 320 के तहत उस व्यक्ति को 5 साल की कैद या 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर 5 साल की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना। द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स वॉज अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ड्रग्स और कॉस्मेटिक रूल्स अनाउंस कब किए गए थे
वो किए गए थे 17 जुलाई 2019 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 17 जुलाई 2019 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज इस्टेब्लिश्ड इन अंडर द कंट्रोल ऑफ अ डायरेक्टर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो इस्टेब्लिश की गई थी जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है उसे कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था, किसकी कंट्रोल ऑर्डर, जो अंडर द कंट्रोल ऑफ अ डायरेक्टर, जो डायरेक्टर होता है उसके अंडर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 इज द लास्ट क्वेश्चन, ब्लैंक एनालाइसिस द ड्रग एंड कॉस्मेटिक टेस्ट सैंपल्स इन लैब्स सेंड बाय द ड्रग इंस्पेक्टर, तो गवर्नमेंट एनालिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। अभी देख लेती हैं, समझ में नहीं आया कुछ, नहीं कुछ नहीं, इसका हो जाएगा गवर्नमेंट एनालिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसमें हमने देखे पार्ट फर्स्ट, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का पार्ट फर्स्ट देखा, तो जल्द ही पार्ट टू भी आपके सामने हम लेके आने वाले हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।